Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट की, यानी कि राखी सावंत की, जो कि बिग बॉस के घर में छाई हुई है। बिग बॉस के घर में राखी ही राखी दिखाई देती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि भैया राखी सावंत ही शो चला रही है, नहीं तो बाकियों के तो बस की बात है। ऐसा भी कई बार लोगों को लगता है, क्योंकि राखी सावंत कल के प्रोमो में जो हमने देखा, तो आज आने वाले एपिसोड का प्रोमो भी राखी सावंत के ऊपर ही था। उसमें भी राखी ही राखी दिखाई दी अभिनव शुक्ला के साथ शरारतें करते हुए। तो चलिए जानते हैं राखी सावंत के बारे में बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें, जो कि राखी सावंत ए टू जेड कब पैदा हुई, क्या डेट ऑफ बर्थ है राखी सावंत की, बहुत सारी राखी सावंत की एज को लेकर भी बिग बॉस के घर में चीजें आ रही हैं। तो राखी सावंत कहां पे रहती है, तो किस माहौल में रहती हैं, क्या करती हैं, ये सारा फुल डिटेल में आपको बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं यहां से कि राखी सावंत दोस्तों एज की बात जो कहेंगे, कल के एपिसोड में भी ये एक शोर सा मचा था। रुबीना दिलायक ने कहा, सबने कहा था कि बुआ बुआ की बात हुई थी, ये एजाज खान को चाचा कह रही थी। तो यहां पर रुबीना दिलायक कहते हैं कि सिर्फ 49 बोला है, ऐसा बोला है 49, तो 49 ईयर्स की नहीं है राखी सावंत। आपको बता दूं मैं, राखी सावंत लगभग कुछ 43-44 साल की हैं, क्योंकि इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है इनकी राखी सावंत की 25 नवंबर 1978 को इनका जन्म हुआ था। और एक और बात बता दूं, कुछ छोटी सी कुछ 11-12-13 साल की एज में ही इन्होंने पहली बार, जब ये कैटरिंग का काम भी किया था बचपन में, ऐसे काफी शुरू आज जो है इनकी काफी संघर्ष में ही रही है। तो लेकिन आजकल जो बहुत सारे लोगों को ये इस चीज का ये भ्रांति है कि राखी सावंत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, जो कोई ऐसी चीज है। तो राखी सावंत मुंबई में, जिन लोगों को मुंबई कभी आए होंगे या देखा होगा, मुंबई अंधेरी वेस्ट में ओशिवरा करके एक जगह है, तो वहां पे राखी सावंत एक बहुत ही मशहूर श्रीजी रेस्टोरेंट के पीछे एक बिल्डिंग सेरेनिटी कॉम्प्लेक्स में टावर में रहती हैं। तो वो फ्लैट का लगभग, उसमें मरहूम एक्टर विवेक शॉप भी रहते थे, एक्टर राणा जंगबहादुर भी उसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो वहां उसकी फ्लैट की कीमत लगभग 3.25 करोड़ है। तो यहाँ पे बाकी इनमूवेबल जो फोर्ड एंडेवर गाड़ी है राखी सावंत के पास, और लगभग 11-12 करोड़ की अदरवाइज भी राखी सावंत मालकिन है। तो ऐसा कोई फाइनेंशियली क्राइसिस की बात नहीं है, अगर ये चीजें हैं बताऊं। ये है कि एंटरटेनमेंट राखी सावंत शुरू से ही देती आई है। तो राखी सावंत की पहली फिल्म जो राखी सावंत को मिली थी, वो 1997 में राखी सावंत को पहला ब्रेक मिला था दोस्तों। लेकिन चलिए बात करते हैं कंट्रोवर्सीज की, राखी सावंत के साथ क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई। 2005 में उनका एक लिप लॉक का सीन जो है बहुत ही मशहूर हुआ था फिल्म खामोश खौफ की रात में, जो कि काफी उन दिनों में ऐसा नहीं होता था, आजकल तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन ये बात कर रहे हैं 15-16 साल पहले की। राखी सावंत भी तब एज थोड़ी सी, मतलब ठीक ठाक सी एज थी राखी सावंत की, तो तब उस समय पे लगभग 28-29 साल की होंगी। तो वो सीन बहुत पॉपुलर हुआ था और काफी मीडिया में राखी सावंत की चर्चा हुई थी। उसके बाद 2006 में राखी सावंत के साथ एक और चीज हुई, जबकि मीका सिंह ने राखी सावंत को अपने बर्थडे पार्टी पे जबरदस्ती से पकड़ के स्मूच कर लिया था। तब उसके बाद राखी साहब ने मीका सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन उस दिन के बाद मीका सिंह भी स्टार बन गए और राखी सावंत भी स्टार बन गई। उस दिन के बाद चर्चाओं में आ गई राखी सावंत। 2008 में राखी साहब ने अपने, तब जो खबरों में आई, जब अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी को जनता के सामने पब्लिकली थप्पड़ मारा था मुंह में, तो 2010 में उनके खिलाफ एक FIR हो गई थी कि एक दलित यूथ लक्ष्मण प्रसाद की मृत्यु का इनके ऊपर इल्जाम लगा था, क्योंकि इम्पोर्टेंट कह दिया था रियलिटी शो राखी का इंसाफ में, इसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, जब डेथ होगी तो ये भी इनके ऊपर इल्जाम लगा था। 9 जुलाई 2016 को लुधियाना के एडवोकेट नरेंद्र आदित्य ने इनके खिलाफ एक वाल्मीकि कम्युनिटी को के अगेंस्ट कमेंट करने का की कंप्लेंट की थी, जो भी काफी चर्चा में आई थी, और राखी सावंत को अरेस्ट भी उस मामले में थोड़ा हो गई थी।
2016 में भी उन्होंने तब चर्चा में आई जब उन्होंने अपने एक ड्रेस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो चिपका के बाहर चली गई थी। मीटू मूवमेंट में जो मीटू मूवमेंट चली थी, आपको पता है राणा नाना पाटेकर के खिलाफ तनुश्री दत्ता ने इल्जाम लगाए थे, तब भी राखी सावंत नाना पाटेकर के साथ खड़ी हुई और उन्होंने काफी कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी तनुश्री दत्ता के खिलाफ। और इसके लिए तनुश्री दत्ता ने इनको 10 करोड़ का इनके ऊपर जो है मुकदमा कर दिया था। तो राखी सावंत ने भी काउंटर सूट 50 करोड़ का उनको करने की धमकी दी थी। तो ये राखी सावंत की चीजें हैं। उसके बाद राखी सावंत इन्हीं सब चीजों से गुजरती गुजरती हुई कि ये एक समय ऐसा आ गया कि कोई भी ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो राखी सावंत के नाम से परिचित ना हो। लेकिन राखी सावंत की छवि जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। राखी सावंत का नाम लिया जाता था तो कुछ हिकारत से लिया जाता था। ये आपने बिग बॉस 13 में देखा जब हिंदुस्तानी भाऊ ने राखी सावंत कह दिया था, पंजाब की कैटरीना नहीं है पंजाब की राखी सावंत है शहनाज कौर गिल, तो इस बात का बवाल मच गया था। तो रश्मि देसाई ने भी बवाल मचाया था। तो आसिम रियाज ने कहा था कि आप क्यों ऐसा बवाल मचा रहे हो, क्या राखी सावंत खराब है, क्या राखी सावंत कहना गलत है। तो वो बात हालांकि वो कह नहीं पाई थी नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन इस बात का एतराज उठाया गया था। लेकिन वही राखी सावंत ने अपनी सारी की सारी इमेज यहां पे आके धो दिया है। अब राखी सावंत बिग बॉस 14 के शो में सभी को अच्छी लग रही है, सभी को बढ़िया लग रही है और लग रहा है कि यार दिस इज, ये तो राखी सावंत अलग ही है जो राखी सावंत के बारे में हम खबरों में पढ़ते थे, हम न्यूज में सुनते थे, लेकिन अब बिग बॉस के घर में देख के तो दिस इज द अलग राखी सावंत, ये लोगों को लगता है। और राखी सावंत की काफी तारीफ हो रही है, राखी सावंत को लोग देख रहे हैं कि ये टॉप 5 में जा सकती है। तो आप क्या कहते हो उसके बारे में राखी की? इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो नीचे लाइक का बटन दबाइए, डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक का बटन दबाइए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, तो और अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद की वाचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल।